हाईटेक ब्लेड्स का एक पेयर, एक छोटा सा हैंडल और अच्छी खासी डिटर्मिनेशन। सुनने में ये आसान लग रहा है, लेकिन जो ये करता है उसे ही पता होता है कि बॉब स्लेडिंग जैसे हाई स्पीड स्पोर्ट के लिए कितना स्टैमिना, स्किल और करेज चाहिए होता है। लेकिन बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को भी इस खेल में शानदार परफॉर्मेंस के लिए अच्छा स्लेड चाहिए होता है। मॉडर्न स्लेड को एक स्टील फ्रेम से बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने में और भी कई अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। स्लेड का बेसिक फ्रेम जिस पर स्लेड चलता है उसे एरोडायनामिक शेल के करीब 150 अलग अलग पीसेस से बनाया जाता है। इस पर कई बार प्रेशर डाला जाता है। इसे तभी अच्छा माना जाता है जब ये करीब 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू सके। इसके कोनों पर 5G फोर्स भी लगता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ हो। रनर्स भी परफेक्टली मिल्ट होने चाहिए। अगर ये थोड़े भी खराब होंगे तो स्लेड की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। मॉडर्न बॉब स्लेड की आइडियल विड्थ करीब 68 सेंटीमीटर है। अगर ये इससे बड़ी होगी तो ड्रैग बढ़ जाएगा और स्पीड भी कम हो जाएगी। एक ऐसे खेल में जहां मिली सेकेंड्स भी मायने रखते हैं, वहां एक परफेक्ट स्लेड से ही जीता जा सकता है। इंजीनियर्स स्लेड के स्ट्रक्चर को बहुत ही एक्यूरेट बनाते हैं ताकि उसे जितना तेज हो सके उतना तेज चलाया जा सके। यहाँ इसका स्ट्रक्चर बन रहा है और वहाँ कुछ और मैकेनिक्स इसकी आउटर शेल बना रहे हैं। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जाता है जिस पर पॉलिएस्टर रेजिन की एक थिक लेयर कोट की जाती है। रेजिन लेयर्स को एक एक करके बनाया जाता है और इससे एक सॉलिड शेल बन जाती है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाती है तो मैकेनिक्स इस शेल को परफेक्ट साइज में काटते हैं। प्रेसिजन एरोडायनामिक्स की वजह से ही बनने के बाद स्लेड ज्यादा से ज्यादा स्पीड से दौड़ती है। एक सर्कुलर सॉ से ये आउटर शेल को मनचाही शेप में काट देते हैं, लेकिन ये काम बहुत ध्यान से किया जाता है। फाइबर ग्लास डस्ट अगर लंग्स में चली जाए तो काफी खतरनाक हो सकती है। जब अलग अलग पीसेस बन जाते हैं तो एक कॉम्पिटिशन ग्रेड बॉब स्लेड की बेसिक आउटर शेप दिखने लगती है। लेकिन इंजीनियर्स को कैसे पता चलता है कि ये डिजाइन सही है? कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले स्केल मॉडल्स और एक विंड टनल की हेल्प से इन्हें अच्छे से टेस्ट किया जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से इंजीनियर्स अपने नए डिजाइन की परफॉर्मेंस को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि ड्राइवर के हेलमेट की शेप भी स्लेड की स्पीड पर बड़ा असर डालती है। आखिरी चीज जो कि एक विनिंग बॉब स्लेड के लिए बहुत जरूरी होती है वो है रनर्स। इसमें एग्जैक्टली क्या डाला जाता है ये तो अब तक सीक्रेट है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसमें आयरन, कॉपर और फॉस्फोरस का अलॉय होता है। इन्हें नट बोल्ट से नीचे की तरफ से मूवेबल स्ट्रट्स के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि इन्हें यूज किया जाए, रनर्स को पॉलिश किया जाता है ताकि कोई कमी न रह जाए। अगर एक छोटा सा स्क्रैच भी हो तो वो स्पीड को कम कर सकता है। लेकिन ड्राइवर इस स्लेड को स्टीयर कैसे करता है? फ्रंट पर बैठा आदमी इंचार्ज होता है। इस एरोडायनामिक हल के नीचे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि पुलीज और हैंडल्स का बना होता है। इन्हीं से इसको स्टीयर किया जाता है। ये सीधे फ्रंट रनर्स से जुड़ा होता है और किसी भी साइड को खींचने से स्लेड राइट या फिर लेफ्ट हो जाता है। जब ये पूरा बन जाता है तो बस एक काम बचा रहता है, वो है इसे ट्राई करना। बॉब स्लेडिंग तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है राइडर्स की पावर और अग्रेशन। दूसरा है स्लेड की क्वालिटी
और तीसरा है इसे ट्रैक पर कितने अच्छे से चलाया जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग और ट्रेनिंग सब कुछ कामयाब रहे तो अब ये राइडर्स पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने स्लेट से मेडल्स जीत सकते हैं। क्या जानते हैं, बॉब स्लेडिंग पर बनी कुछ फिल्मों में से एक कूल रनिंग्स पहली जमाइकन ओलंपिक बॉब स्लेड टीम की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड थी।